Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. आपको real number का सबसे last exercise चल रहा है 1.4. जैसे मैंने तीनों question को आपके सामने लिखा है और तीनों question को मैं आपको complete करता हूँ. मैं तीनों question को complete नहीं करूँगा, आप खुद कर लोगे. कुछ बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है ना? देखिए YouTube में क्या है ना, लोग solution देते हैं, लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं देता, मैं कॉन्सेप्ट भी देता हूँ. सोचता हूँ मैं कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आप खुद बना लो. देखिए आपको यहाँ से अच्छे से समझना है बातों, है ना? क्या समझना है उस पर जरा बात करें. कर आया ना क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इस तरह से जैसे आप डिवाइड करते हो ना, टू को फाइव से, टू टाइम्स में फोर आया, वन लगा, पॉइंट देंगे जीरो होगा, फाइव से तो टेन कंप्लीट कैंसिल. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड. इस तरह से आपको विदाउट, इसको छोड़ करके, ऐसे नहीं बताना है, ये प्रोसेस नहीं बताना है, है ना? वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आपको इस तरह से नहीं, आपको क्वेश्चन को देख करके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन कौन पूरा कटेगा, कौन कौन पूरा नहीं कटेगा. क्वेश्चन को देख के बताना है, इस तरह डिवाइड देख नहीं बताना है, है ना? तो आइए बच्चों, कैसे करते हैं वो देखे, सीखिए, बात को सीखिए, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा. देखिए करना क्या होता है, समझिएगा बातों को. करना ये होता है ऐसे क्वेश्चन में कि हम लोग का जो है टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, इसको पहचानने का एक तरीका होता है. आपने कंपोजिट नंबर को पढ़ा होगा, कंपोजिट नंबर, है ना? वहां पे मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर को प्रूफ कैसे करते थे, कंपोजिट नंबर को या 6 to the power n को हम लोग प्रूफ करते थे. ऐसा क्वेश्चन था, 6 to the power n को प्रूफ करना था कि जीरो से एंड नहीं करेगा. तो मैंने वहां क्या बताया था, टू और फाइव से वो उसका फैक्टर होना चाहिए, टू और फाइव फैक्टर होना चाहिए, तभी वो एंड करेगा, और नहीं तो एंड नहीं करेगा, है ना? तो यहां भी वही काम करना है. देखिए यहां भी क्वेश्चन रहेगा P by Q के फॉर्म में, ऐसा फॉर्म रहेगा. इसमें आपको देखना है कि P को तो देखना ही नहीं है, Q को देखना है कि Q का फैक्टर क्या है, समझिएगा. Q का फैक्टर क्या क्या है उसको समझना है आपको. देखिए अगर आपको मिल जाए P by 2, इस Q के यहां पर क्या रहे, ओनली 2 रहे, या फिर 2 के पावर जितना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 रहे, 2 के पावर 5 हो सकता है, 2 के पावर 9 हो सकता है, 2 के पावर 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है. 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 4 हो जाए, 8 हो जाए, जैसे 2 के पावर 3 रहेगा तो इसका मतलब 8 ही हुआ ना, ठीक है? मतलब 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं तो आपको ओनली 5 होना चाहिए, या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 रहे, 25 रहे, 125 रहे, 5 पे पावर 2 रहे, 5 पे पावर 3 रहे, उससे मतलब नहीं, पावर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 5 से मतलब, पावर कुछ रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक? उसके बाद और एक और होना चाहिए कि 2 और 5 दोनों रहे, 2 एंड 5 दोनों रहे तो भी चलेगा, बहुत अच्छी बात है. अकेले 2 रहे तो भी, दोनों रहे तो भी, दोनों मिलकर रहे और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? एक बात और ध्यान देना, और क्या देना है आपको, रहना चाहिए यहां फैक्टर ऑफ क्यू. अगर क्यू का फैक्टर है तो सही है ना, क्यू का अगर फैक्टर है तो भी सही है. मतलब क्या क्या होना चाहिए, देखिए 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और एक होना चाहिए क्या, फैक्टर ऑफ क्यू होना चाहिए. अगर ये है तो कहेंगे कि वो क्या है, पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, टर्मिनेटिंग होगा. और अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, या 2 है एक नहीं है, ये दोनों है ये नहीं है, तो कहेंगे नहीं होगा. क्लियर है बात, तो बोलेंगे नहीं. क्लियर है बात, तो आइए तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं. यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपको डील करना है क्वेश्चन को.
देखिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड कि क्या कह रहे हैं सर, है ना। देखिए जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, वन का फर्स्ट क्या करता है, 13/3125, तो डिवाइड तो देना नहीं है भाई, ऐसे ही बताना है। तो आप 3125 को थोड़ा ब्रेक कर लेना, ब्रेक कर लो, 5 टाइम्स में 6 30, 2 टाइम्स में और 5 टाइम्स में 5 से लगाएंगे 120, 5 और 5 से लगाएंगे तो 25 और 5 से लगाएंगे तो सिर्फ 5। इसका मतलब हुआ 13/5 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। हमने अभी क्या बोला था आपको, हमने क्या बोला था कि 5 रहे या फिर 5 का मल्टीपल रहे चले, तो 5 पे पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का एक मल्टीपल है कौन, 3125, तो इसको बोलेंगे क्या, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा करता होगा। डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर में आपको डिवाइड करके देखना है, अभी तो देख के बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, क्लियर है बात। आइए आगे, फिर मैं आपको ले चलता हूं सेकंड क्वेश्चन, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा बात। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 17/8, आपको उसी तरह से सोचना है, 2 पे पावर 3 होगा, 2 2 2 8 क्या होगा, होगा टर्मिनेटिंग होगा, नहीं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए आगे लेकर चलो, थर्ड नंबर में कहता है 65/4 4 5 है, 4 5 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 64/4 5 5 को जरा ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 5 टाइम्स में 9 1, है ना, और ये होगा 7 13, यानी मिलेगा 5 × 7 × 13। देखिए भाई 5 तो है, 5 पूरा पूरा काटेगा, हमने बोला था 5 भी रहेगा तो पूरा पूरा काटेगा, लेकिन अब 7 और 13 में देखना है कि 64 का ये क्या फैक्टर है, 64 का फैक्टर है 7, तो आप कहेंगे ना 7 कहाँ है सर, 7 तो आता ही नहीं 64 में, 13 कहोगे नहीं आता है सर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, रिपीट हो सकता है अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन पूरा पूरा कटेगा नहीं, बात क्लियर हो रहा होगा। आइए, बहुत अच्छी बात है, मैं सोचता हूं कि बच्चों को मैं पूरा क्लियर कर दूं ताकि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहे। फोर नंबर 15/ कितना है, 600 आप बना लेना, है ना, हम आपको 5 बता देते हैं, हम आपको 5 थोड़ा देखते हैं, 5 क्या कहता है, 29/343, तो 29/343 किसका होता है, 343 हो जाता है, 343 आप देखना तो शायद 7 का, 7 4 28 और 6 63 49, 7 7, ठीक है, हो गया 7 × 7 × 7, मतलब क्या 7 पे पावर क्यूब, 7 पे पावर क्या क्यूब, 7 पे पावर क्या होगा क्यू होगा, जब क्यू होगा तो आप देखिए तो क्या 29 का फैक्टर है 7, बोलेगा ना कहां आता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, क्लियर है बात। उसी तरह से आप देखना, अब यहीं पे मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, क्वेश्चन देखते साथ आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो जो होगा उसको मैं घेरूंगा, जो नहीं होगा उसको काट दूंगा, ठीक ना। देखिए बच्चों ये यहां आ गया क्या, 2 और 5 दोनों आ गया, हमको 2 और 5 चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करूं, 7 में देखिए 129 है, 2 चाहिए था है, 5 चाहिए था है, अब 7 पे पावर 5 देखना है कि वो है या नहीं, 7 पे पावर 5 जो है उसको देखना है कि वो है या नहीं, पूरा पूरा काटेगा कि नहीं, तो 129 को देखिए तो 129 को 7 पे पावर 5 है, तो 7 से अगर आप 129 को अगर देखें तो 7 से लगाएं तो एक बार में
और 559 हो जाता है, ये पूरा पूरा कटता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको नहीं होगा, ये आपको क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि 7 129 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 2 और 5 तो कर देगा लेकिन 7 नहीं कर पाएगा, क्लियर है बात। आइए 6/15 है, तो 6/15 है तो पहले तो आप इसको ऐसे ही लिमिट कर लेना, नहीं तो बचेगा कितना, 3/5, जब कटेगा तो क्या होगा, 3/5, नीचे 5 है इसका मतलब पूरा पूरा टर्मिनेट होता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, होगा जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूं इस तरह से डब्बा में, वो होगा 30/50, 50 में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अब सब्ट्रैक्ट करना, 2 और 5 मिलेगा, तो आपको ये होगा, ये क्या होगा, होगा। अब आ गया 77/210, तो 77/210 है इसका मतलब, तो देखिए ये होगा ना कि 210 को 77/210 है तो 77/ इसको आप डिवाइड करोगे, 210 को जरा फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स में 105, 5 टाइम्स में 21 और 3 टाइम्स में 7, तो मिलेगा 2 × 5 × 3 × 7, 7 से देखिए एक बार में कटता है 11, काट देंगे तो बचा 11/2 × 5 × 3। अब ये 2 चाहिए था, है उसका जरूरत था, 5 का जरूरत था, लेकिन क्या 3 का जरूरत था, 3 का जरूरत नहीं था क्योंकि 11 का फैक्टर है ही नहीं, 3 नहीं है, तो जब फैक्टर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्लियर है बात। तो इस तरह से आपको पहचानने का तरीका है, आप आराम से पहचान लेना आपको, क्लियर ना। आइए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, बहुत ही आसान सा है, आपको फॉलो करना है बातों को और आपको ये कर लेना है ना। चलिए देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या करता है, 2 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। 2 नंबर में कहता है बच्चों कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एवर विच हैव टर्मिनेटिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन, आपको उसका डेसिमल निकालना है ना, डिवाइड करके डेसिमल में लाना है आंसर, जिसका जो टर्मिनेटिंग था पहले से, जो जो कट रहा था पूरा पूरा, उसको आपको क्या करना है, डेसिमल में लाना है, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, जैसे क्वेश्चन और फर्स्ट ही मैं ले लेता हूं, 2 का फर्स्ट होगा ना, 2 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है 3125 को डिवाइड करना है आपको किससे, 13 से, किसे करना है, 13 से। अब यहां पर कंडीशन नहीं है कि आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको जिस मेथड से जानते हो उस टाइप से, और ऐसे डिवाइड के अलावा कुछ आ ही भी नहीं सकता है ना। तो पॉइंट देंगे पहले 0 दे दीजिए, 0 के बाद पॉइंट दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, 1 0 अभी भी ज्यादा एक कम है, 1 0 अभी भी कम है, 1 0 अब आ गया, नहीं कितना और लगेगा, 3 4 12, 4 टाइम्स में आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए, 5 6 20, 4 2 8 10 और 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 12, कितने ना होगा, ठीक है। अब इसको करिएगा तो 0 0 5 ये पूरा कैंसिल, पॉइंट था उसके बदले 0 हो जाएगा, एक बार में तो कम से कम लग ही सकता है ना, एक बार लगाएगा कितना हो जाएगा, 3 1 2 5 बचेगा 5 और ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, पॉइंट था उसके बदले 0, आप देखिएगा तो 6 5 जाए 30, 6 3 जाए 18 आ रहा है, 6 टाइम्स में लगाइएगा तो हो सकता है लग जाए, 6 5 जाए 30, 6 2 12 3 15, 3 1 बचा 6 1 7 और 6 इतना पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा जो आया वो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.00416 आया, इस तरह से। तो जो जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो जो आपको डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन में, उसको आपको क्या करना है कि क्या करना है आपको उसको डिवाइड करना, इसी तरीके से। जैसे एक सिंपल सा डिवाइड में बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 में डिवाइड वाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, 23/2 पे पावर क्यूब का मतलब कितना,
और 2π/q का मतलब 8 और 5² का मतलब कितना 25, तो 23y कितना हो जाएगा, 25 को 8 से करेंगे तो 200 आएगा, है ना। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 से 23 को डिवाइड कीजिएगा, 11.5/100 होगा, दो जीरो बचलना है और दो जीरो इसमें पुट कर देगा 0.115 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर लेना, नहीं तो डिवाइड कर लेना, 23 को 200 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो जो जो कट किया हुआ है उसको तो नहीं बनाना है आपको, और जो जो हमारा आया था पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, टर्मिनेटिंग था, उसको क्या करना है आपको डिवाइड करके बता देना, ठीक है। सबको क्या डिवाइड करूं, बच्चा वाला काम है, आप लोग कर लेना है, क्या कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ले चलते, तो सारे का आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है, ठीक ना। ओके, अब मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड क्या करता है समझिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये सारे फॉलोइंग जो जितने भी रियल नंबर देख रखे हैं सारे हमारे क्या हैं, डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। सुनिए, आपको कह रहा है यहां से बच्चों कि इसमें बताना है कि तीन क्वेश्चन हमारे पास है, 1, 2 और 3, तीनों में बताना है कि आपको कौन कौन रेशनल होगा। तो रेशनल होने का दो ही ये है कंडीशन है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो और नहीं तो वो हमारा क्या हो, रिपीटिंग। टर्मिनेट करेगा तो भी रेशनल होगा, रिपीट करेगा तो भी रेशनल होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। क्वेश्चन देखते साथ आपको आंसर बता देना है, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा कि देखिए ये क्या है, पॉइंट यहाँ था, फुल यहाँ पॉइंट था, है ना, डेसिमल यहाँ है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आके स्टॉप कर गया, 9 पे आके क्या हो गया, स्टॉप कर गया। स्टॉप करने का मतलब पूरा पूरा कटता हो, पूरा पूरा क्या होता होगा, कटता होगा, ठीक है। जैसे 43.12345678 9 है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 43/12345678 9 डिवाइड बाई 1 1 0 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 1 9, क्योंकि 9 डिजिट था पॉइंट के बाद तो हमने 9 दिया। तो ये क्या हो गया, पी वाई क्यू का फॉर्म में मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 होगा, 2 and 5 होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, सेकेंड का आता है, सेकेंड में है 0.12012003040 .. देखिए तो क्या इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ रिपीट कर रहा है क्या, यहाँ बोलोगे इतना है तो बढ़ गया 1 0, फिर 1 0 बढ़ गया, फिर 1 0 बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं कर रहा है ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं टर्मिनेटिंग होगा और नहीं रिपीटिंग होगा, नहीं पूरा पूरा कट रहा है और नहीं रिपीट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखें, क्वेश्चन थर्ड में कहता है 43, वही क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब इस पर दे दिया क्या, वार, वार दे दिया है, बार जो है ये इंडिकेट करता है कि ये क्या होगा, ये होगा रिपीटिंग होगा, ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा, नॉट टर्मिनेटिंग होगा, पूरा पूरा नहीं कटा हुआ तब ना क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, लेकिन क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बट रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा, क्यों, क्योंकि माथा पे पावर, पावर किसका, बार का, तो बार का, बार जो होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग को इंडिकेट करता है, समझ रहे बात को, इस तरह से क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज आपको क्या होता है, रियल नंबर कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पॉलीनोमियल का देने वाला हूं, आप अच्छे से ये सब क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है ना। ये खास करके क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, डेसिमल पूछे चाहे नहीं, ये पूछे चाहे नहीं, ये तो 9th क्लास का टॉपिक था लेकिन ये 10th क्लास का टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। 9th में भी पढ़ना है ये, ऐसा नहीं कि 9th में, 9th में तीनों क्वेश्चन पढ़ना है,
ठीक, तो ध्यान देना है इस बात को, आपको एक्चुअल डिवीजन लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देना है, सामने दिखा देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्या है। क्लियर, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल के साथ।